चांद पर जल्दी पहुंचने के चक्कर में आखिरकार क्रैश हो ही गया लूना 25। आप सबने भी खबर सुनी होगी कि लूना 25 क्रैश हो चुका है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा डिटेल कहीं भी नहीं मिलेगा क्योंकि इस खबर को डिटेल में कवर किया ही नहीं गया। अगर आप रॉसकॉसमोस को देखें तो रॉसकॉसमोस ने इसके लॉन्च से लेकर इसकी गतिविधियों तक को बेहद कम सीमा में पब्लिकली इसे डिस्क्लोज किया था। या ये बोलना चाहिए कि जो पब्लिसिटी चंद्रयान 3 को मिली न सिर्फ भारत में बल्कि इंटरनेशनल भी हो बेहद ज्यादा थी, लेकिन लूना 25 के केस में रशिया को झेलना पड़ा बड़ा बहिष्कार मीडिया का, इंटरनेशनल मीडिया का, और खुद रॉसकॉसमोस भी बेहद ही गोपनीय ढंग से इस पूरे मिशन को ऑपरेट कर रही थी, इसलिए वहां से भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आई है सामने। लेकिन अब जो रॉसकॉसमोस से ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आप तक एक्सक्लूसिव लाने की कोशिश में है, तो ध्यान से सुनिए कि क्या हुआ और कैसे जल्दबाजी के चक्कर में क्रैश हो गया लूना 25 और अपने साथ ले डूबा एक संभ्रांत, एक बेहद विराट विशाल सोवियत यूनियन के रशियन प्रोग्राम को, क्योंकि अब मॉडर्न रशिया के अस्तित्व में आने के बाद डूबता सा नजर आ रहा है। अगस्त 19 मॉस्को टाइम के हिसाब से 2:57 आगे चलते हैं मॉस्को के टाइम से, तो ये मान लीजिए कि 5:30 होंगे शाम के। ये बात 19 अगस्त की हो रही है और इसी दौरान एक इंपल्स आता है लूना 25 की तरफ कि अब मैं रेडी हूं, आप मुझे प्री लैंडिंग ऑर्बिट यानी कि वो आखिरी जो दायरा है, आखिरी जो परिधि लूना के अराउंड यानी कि चंद्रमा के अराउंड वहां डाल दीजिए, जहां से फिर मैं 21 तारीख को लैंडिंग अटेम्प्ट करूंगा। लूना की तरफ से एक मैसेज आता है रॉसकॉसमोस में बैठे वैज्ञानिकों के पास, पहले से ही एक सेट पैरामीटर्स थे कि गति इतनी होगी, इतनी देर तक के फायर किए जाएंगे, पिच ये होगा, रोल ये होगा, और इस तरीके से हम जो इसे वहां पर प्री लैंडिंग ऑर्बिट में डाल देंगे लूना 25 को। 18 किलोमीटर की हाइट से लूना 25 अपनी लैंडिंग जो था वह अटेम्प्ट करने वाला था, कोशिश करने वाला था। यहां से सारी कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए रशिया रॉसकॉसमोस के वैज्ञानिक बटन दबाते हैं, चीजें होती नहीं है, लेकिन लूना 25 रिएक्ट नहीं करता है और पूरे 40 सेकेंड का डिले दिखाई देता है, यानी कि यहां से मैसेज भेजा गया, वो वहां पहुंचा और रिएक्शन जो चाहिए था जिस डिजाइंड समय में उसे पूरा 40 सेकेंड तक लूना रिएक्ट नहीं करता है, उसके इंजन ऑन नहीं होते, और इस खबर को रॉसकॉसमोस तुरंत पब्लिक कर देता है और टेलीग्राम अकाउंट में और इंटरनेशनल मीडिया में खबर आ जाती है कि लूना प्री लैंडिंग ऑर्बिट में एंटर करने से रह गया है, रॉसकॉसमोस लूना 25 को प्री लैंडिंग ऑर्बिट में डालने में फेल हो गया है, यही हवा आती है। उसके बाद कयास लगने शुरू हो जाती है और सारा जो अमेरिकन बेस जो मीडिया है वो लग जाता है और शुरू कर देते हैं खिंचाई कि कम्युनिकेशन टूट गया रशिया का अपने लूना 25 के साथ में, 47 साल बाद ये वापस लौट रहे हैं चंद्रमा पे। उस वक्त इनके पास ऐसी तकनीक थी कि वहां से मिट्टी निकाल के ले आते थे। उधर रॉसकॉसमोस एकदम शांत था और यह खबर चलती रही कि एक बार फिर चांद उगेगा रशिया की सरजमी पर, एक बार फिर कम्युनिकेशन स्टेब्लिश्ड होगा, एक बार फिर लूना 25 जिस पॉइंट में अटेंड किया था उसे प्री लूनर ऑर्बिट में डालने के लिए वो एक और चक्कर काट के उसी पॉइंट पर आएगा, तो उसका वेट कर रहे थे सब के सब। उसके बाद खबर आती है कि रॉसकॉसमोस ने कह दिया है कि टेलीग्राम अकाउंट से कि उनकी कम्युनिकेशन टूट गया है। अब दोस्तों कम्युनिकेशन टूटने का अर्थ दो होता है, एक तो ये या तो उपकरणों में कोई खराबी आ गई है, उपकरण ब्लॉक हो गए हैं, या फिर रशिया जो उसके पास ग्राउंड बेस सपोर्ट कम होने की वजह से वो लगातार टेलीमेट्री डेटा यानी कि वो देख नहीं पा रहे हैं लूना 25 कहां पहुंच रहा है, क्योंकि अर्थ जो है चक्कर काटती है अपनी एक्सेस पर, अपनी धुरी पर, तो हर वक्त रशिया मून की तरफ फेसिंग नहीं होता है। रशिया के संबंध अच्छे नहीं है किसी के साथ, यूक्रेन के चलते दूसरे देश मदद नहीं कर रहे हैं उसकी, क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्टरी वाच सेंटर ऑलरेडी है। तो ये दो कयास लगने शुरू हो गए। उसके बाद रॉसकॉसमोस ने बताया कि भैया हमारा कम्युनिकेशन टूटा इसलिए क्योंकि लगता है लूना 25 क्रैश हो गया है चंद्रमा की सरफेस पर। और उसके बाद जो प्रीलिमिनरी एनालिसिस में जो अभी रिपोर्ट आ रही है दोस्तों, उसके अनुसार जो एक्चुअल पैरामीटर्स डाल करके उसे इंजन ऑन करने के लिए जो मैसेज जो कमांड भेजा गया था ग्राउंड सेंटर से रशिया से, वो उस पैरामीटर्स को पूरी तरीके से पकड़ नहीं पाया। लूना 25
गलत पैरामीटर्स को उसने अपने इंजन फायर किए और इसकी वजह से जो कैलकुलेटेड ट्रैजेक्टरी थी उससे हट गया और एक ऐसे ऑफ डिजाइन ऑर्बिट में एंटर कर गया जिस ऑर्बिट में उसे डालना था उससे अलग ऑर्बिट में एंटर कर गया और उसकी वजह से जो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी उसमें उसने उसे खींचा, ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। दोस्तों यहाँ दिक्कत क्या हुई, डीप चला गया, कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से भेजी गई, जो कमांड वहाँ से भेजी गई कि आप अपनी इतनी वेलोसिटी रखिए, इतना टर्न कीजिए, उसने उस पैरामीटर्स को मानने में गलती कर दी, एरर आ गया उसमें और गलत ट्रेजेक्ट्री में चला गया और आखिरकार वो लूनर सरफेस पर कोलाइड हो गया। इसके बाद रॉसकॉस्मोस ने एक स्पेशल इंटर डिपार्टमेंटल कमीशन बिठाई है जो काउच को पता करेगी, कारण पता करेगी कि क्यों लूना 25 फेल हुआ। देखिए दोस्तों लूना 25 पहला लूनर मिशन था मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ रशिया में। जी हाँ ये रियलिटी है, जो भी भेजा गया था चांद पर मिशन उस सोवियत संघ के काल में भेजा गया था। मॉडर्न रशिया ने आज तक कोई लूनर मिशन नहीं भेजा, यानी कि चंद्रमा पर कोई मिशन नहीं भेजा और ये जो मिशन है इसके फेल्योर के साथ पुतिन की जो कमांड है वो धीरे धीरे घटती जा रही है, उनकी छवि जो है वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। देखिए रशिया जो है अपने आप को बड़ा ताकतवर कंट्री बताता है, यूक्रेन के सामने लड़ते लड़ते हांफने लगा, रशिया अपने आप को बहुत पावरफुल कंट्री बताता है, हम चांद पर चले जाएंगे, हम चाइना के साथ कोलैबोरेशन करेंगे, स्पेस स्टेशन बनाएंगे, एक लैंडर नहीं उतार पाया। यहाँ पर बड़ा सा भद्दा जो है वो पुतिन पर लग चुका है, रशिया पर लग चुका है और साख जो है यहाँ पर रशिया की वो अब खतरे में आ चली है। दोस्तों अब रेस में कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चंद्रयान 3 है और चंद्रयान 3 भी अब अगला कदम फूंक फूंक कर रखने वाला है।